गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना की बढ़ती संख्या में लगातार मरीज मिल रहे हैं। वहीं सोमवार को पुलिस लाइंस के साथ पुलिसकर्मियों समेत 63 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें शहर में 36 मरीज मिले हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 27 मरीज शामिल हैं। आपको बता दें कि सोमवार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में पुलिस लाइंस में 7, कोतवाली रोड में 2, रहमत नगर में 4, राजघाट में 2, मिर्ज़ापुर में 1, शिवपुर में 1, बरुआ छपिया में 1, गोकुल कॉलोनी में 1, रुद्रपुर में 1, तारामंडल में 2, गीतापुरस में 1, सदर तहसील में 2, थाना कैंट के 1 में 1 मरीज मिला है जबकि पिपराइच के मुगहला सीएससी और मठिया में 1, सैजनवा में 1, खोराबार के वसुंधरा इनक्लेव में 1, मालवीय नगर में 1, हरपुर अहरौली में 1, नंदा नगर में 5, सिंघड़िया में 1, सुबा बाजार में 1, कौड़ीराम के सोकहवा में गांव में 4, डेरवा के मौलिया कोयल में 1, रावतपार बढ़रगंज में 2, लेटाघाट में 1, नेवा में 1, मलवा वाना में 1, तिवारीपुर बढ़लगंज में 1, चरगावा बीआरडी में 1 मरीज मिला है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि इसके बाद में जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 754 हो गई है। इनमें 424 ठीक होकर घर जा चुके हैं। एक्टिव केस 313 हैं। वहीं अब तक 17 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। साथ ही पॉजिटिव पाए गए मरीजों के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है।